I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. लवफुल फैमिली. सो गाइज, आज मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ, तो मेरा काफ़ी टाइम उसमें उसको रिकवर करने में चला गया है. और वो स्टोरी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, और वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड है. सो आज मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, मैं वीडियो बनाती हूँ. काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आई हैं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ, तो बस आज मैं वही काम कर रही हूँ. तो आज मुझे करना क्या है, आज है 4th of September. सो आज अभी के स्कूल से नोटिस आया है कि उनको कल टीचर्स अटायर में जाना है और एक टीचर्स डे के लिए कार्ड बनाना है, तो जस्ट वही मैं अब बनाने जा रही हूँ. तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ जैसा भी मुझे बनाना आता है, और जो भी मेरे पास सामान रखा हुआ है बस मैं उसी से जो भी मुझे समझ आएगा मैं वही बनाऊँगी. तो बस वही आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने सीखा नहीं है, बस जो मेरे दिल में आएगा मैं वही काम करूँगी. सो चलते हैं अपने कार्ड बनाने के प्रोसेस पे, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. तो गाइस, मेरे पास यही सारा सामान है, ये आप देख सकते हैं जो भी है. ये कुछ मेरे बुटीक का सामान है, इस तरीके से स्टोन्स वगैरह हैं, इसमें कुछ स्टिकर्स हैं, ये शीट्स हैं. तो बस अब इन्हीं से ही मैं बनाऊंगी जो भी मुझे समझ आएगा. तो मैं इसको रेडी करके आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा. और बाकी जो भी होगा व्लॉग में मैं शेयर कर लूँगी आपके साथ जो भी मेरे साथ हो रहा है. चलते हैं बनाने के लिए. सो गाइज, मेरी मेहनत रंग लाई है और बहुत ही सुंदर कार्ड बनाया है, और मुझे यकीन नहीं था मैं इतना सुंदर कार्ड बना लूँगी. सो मुझे जो भी अवेलेबल मेरे पास सामान था उसी से ही मैंने बनाया है, और ये अभी खड़ा है मेरे साथ. हाय करो. और अभी भी मेरे साथ लगा हुआ था कुछ ना कुछ करने में और परेशान करने में. सो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कार्ड कैसा बना है. सो गाइज, दिस इज़ द कार्ड, और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना है. और इसको मैंने सूखने के लिए रखा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, कुछ मैटर अंदर भी करना है. तो जस्ट सिंपल से मैंने किया है, मैंने ये शीट आपको दिखाई थी वो मैंने इसके नीचे पेस्ट कर दी. यहाँ पर हैप्पी टीचर्स डे स्केच से लिख दिया, ये मेरे पास पर्ल पड़े हुए थे तो वही मैंने इसमें पेस्ट कर दिए. और ये मैंने ओरिगामी शीट्स होती हैं उससे बनाए हैं ये फ्लावर्स. तो जस्ट क्रिएटिविटी है, और इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं इसमें स्पेशल कि कुछ मैंने स्पेशल कुछ ला के लगाया है. बट ये जो बन के आया है बहुत ही सुंदर निकला है ये बन के. ये तरीके से आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है. और इस तरीके से अभी रुको, और इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे, तो इसके अंदर मैं कुछ भी मैटर लिखूंगी. ये भी खाली है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है. तो गाइस, कंप्लीट हो गया है ये पूरा, और ये बाहर से कुछ इस तरीके से है, और अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या किया है इसमें. तो ये है अंदर से, और जस्ट ये मैंने कुछ यहाँ पर स्टिकर्स यूज़ किए हैं और लिखा है इसे, और ये मैंने कुछ मैटर लिखा है अभी अभी की तरफ से मैम के लिए. तो ये आप पढ़ सकते हैं. तो गाइज, आपको कैसा लगा ये कार्ड आप मुझे बताइएगा ज़रूर. और हो सकेगा तो मैं सुबह अभी जब स्कूल के लिए रेडी होगा तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, और अगर नहीं हो पाया तो मैं अभी किस तरीके से टीचर बन के जाएगा वो मैं आपको फ़ोटो ज़रूर शेयर करूंगी. तो फ्रेंड्स, बाय बाय, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कार्ड कैसा लगा. बाय, टेक केयर. सो गाइस, अभी हो गया रेडी, अभी बन गया टीचर.
क्या बन गए हो? टीचर। और वो कार्ड किसको दोगे? मैंगो। दिखाओ, ऐसे पकड़ो ऐसे। अरे वाह, अन्नी को मत भूल जाना। चलो बाय बाय। Thank you.